बढ़िया टेक्नोलॉजी ट्रिक्स पाने के लिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। नमस्ते दोस्तों, मैं सुबोध अनंत मिस्त्री, आपका टेक फ्रेंड। तो दोस्तों, जब से स्मार्टफोन्स आए हैं, लोगों ने डायरी यूज करना बंद कर दिया है। अगर डायरी नहीं है तो पेन नहीं है, अगर पेन है भी तो नोट डाउन करने के लिए पेपर नहीं है, ऐसी मुसीबत हो जाती है। और इस सिचुएशन में अगर कुछ चीजें मोबाइल पे नोट डाउन की जाए और बाद में वो मोबाइल गुम हो जाए या फॉर्मेट हो जाए तो और एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अगर ये आपकी प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन अपने पास है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डू इट। तो दोस्तों, जिस ऐप के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं उस ऐप का नाम है गूगल कीप। ये बाय डिफॉल्ट आपके मोबाइल में नहीं होगा, आपको उसको प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल करना है। प्ले स्टोर पे जाके आपको टाइप करना है KEEP कीप। इसके आइकन पे आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों, बेसिकली ये गूगल कीप का इंटरफेस है और ये गूगल कीप जिस ईमेल आईडी के साथ सिंक है वो ईमेल आईडी आप यहाँ पे मेनू आइकन क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा स्पेसिफिक जो ईमेल आईडी इस कीप के साथ सिंक है। और नीचे अलग अलग ऑप्शंस है, अगर आपको कोई भी चीज नोट डाउन करनी है तो आपको सिंपली यहाँ पे टेक अ नोट पे क्लिक करना है। आपके सामने इंटरफेस खुल जाएगा, आप यहाँ पे आपको जो चाहो वो टाइप कर सकते हो। तो जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे एक नोट्स निकाली है और उसको आप टाइटल भी दे सकते हो। अगर मैं यहाँ पे सिंपली बैक करूँगा तो ऑटो सेव हो जाएगा और ये नोट्स आपके लिए हमेशा यहीं पे रहेगी। तो दोस्तों, आपको जो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है शॉपिंग लिस्ट का। अगर इस बुलेट लिस्ट पे मैं क्लिक करता हूँ तो इसे आप एज अ टू डू लिस्ट यूज कर सकते हो या शॉपिंग लिस्ट जैसे यूज कर सकते हो या चेकलिस्ट जैसे यूज कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे एक लिस्ट प्रिपेयर करता हूँ तो ये आपकी चेकलिस्ट है। अगर आप चेकलिस्ट आपको मतलब आपने वो स्पेसिफिक चीज़ ले ली तो आप सिंपली इस चेकबॉक्स पे क्लिक कर सकते हो तो ऑटोमेटिकली वो डन के लिस्ट में चला जाएगा, यहाँ पे एज स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा उस पर। और ऐसे आप ये लिस्ट मेंटेन कर सकते हो और ये भी लिस्ट ऑटो से हो जाती है और आपके गूगल कीप के इंटरफेस में आपको दिखने लगेगी। थर्ड जो ऑप्शन यहाँ पे है वो है राइटिंग का। अगर आपको कुछ भी लिखना है, आपको डायग्राम बनाना है तो आप सिंपली यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो और किसी को अगर एक्सप्लेन करना है तो, और वो डायग्राम भी अगर आप बैक करोगे तो ऑटोमेटिकली इमेज फॉर्मेट में सेव हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑडियो का। अगर आपको स्पीच देके मतलब आपको बोल के वॉइस कमांड देके अगर आपको गूगल कीप में कुछ टेक्स्ट सेव करना है तो आप यहां से कर सकते हो। आपको सिंपली इस माइक पे क्लिक करना है, आई हैव एन आइडिया लेट्स वर्क ऑन इट। वो जो टेक्स्ट है जो वॉइस कमांड हमने दिया था वो ऑटोमेटिकली यहां पे टाइप भी हो जाएगा और ऑडियो फॉर्मेट में भी रहेगा। जैसे कि और इसमें लास्ट ऑप्शन है जो है इमेज का। यहाँ पे आपको इमेज का बॉक्स दिख रहा है, एक नया इमेज आप क्लिक भी कर सकते हो या स्पेसिफिक कोई भी इमेज गैलरी से आप चूज भी कर सकते हो और ऑटोमेटिकली वो इमेज गूगल कीप में लोड हो जाएगा। ऑडियो कमांड देके उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए या कोई भी इमेज कीप में स्टोर करने के लिए आप कीप यूज कर सकते हो। तो बेसिकली जो डायरी पे हम लोग जो चीज़ परफॉर्म करते हैं वो सब चीज़ आप गूगल कीप पे परफॉर्म कर सकते हो और ये सिंक होता है आपके जीमेल आईडी के साथ। आप जीमेल में लॉगिन करके keep.google.com ये वेबसाइट अगर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ आपने जो मोबाइल में डाली है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे भी आपको दिख जाएंगे। तो ये था आज का टेक्नोलॉजी ट्रिक। अगर आप टेक्नोलॉजी से जुड़े किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसी टेक्नोलॉजी ट्रिक्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना ताकि हम आपके लिए ला सके और भी बढ़िया कंटेंट्स। तो स्टे ट्यून्ड, टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड एंजॉय टेक्नोलॉजी।